फिर से चुप हो गईं। मुझे बताओ, क्या ये अजीज की वजह से है? जी नानी। क्या कहा उसने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो मुझे क्या कह सकते हैं? वो अपना गुस्सा अपने ही अंदर रखे हुए हैं और वो बढ़ता जा रहा है। सबर रखो इफनान, सबर रखो। अजीज के लिए ये समझना मुश्किल है। सारी परेशानी मेरे ही दिमाग की वजह से शुरू हुई थी। मैंने पियर को अपना दोस्त समझकर बहुत कुछ गलत कर दिया है। सारा मसला ही वहां से खड़ा हुआ। जब तुम उस आदमी के घर गई थी, मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूर रहना। मुझे कैसे पता होता नानी? मुझे लगा कि वो मुझ जैसी लड़की की मदद कर रहा है। इसका मतलब कि वो एक अच्छा इंसान है। बस यही मेरी गलती थी। इफनान, ये मुझे कारखाने से मिला था। ये अभी तक यहाँ है? वैसे तो मैंने कारखाने से सारी चीजें फेंक दी थी, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है आपको जरूरत हो। मुझे दीजिए। अच्छा, मैं इसे फेंक देता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे दीजिए। उस घटिया रात का कोई हिस्सा यहाँ पर अब बाकी नहीं रहेगा। मैं सब जला दूंगी। ये अंगूठी तो बिल्कुल मेरी जैसी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाया हूं। ये आपने कैसे खरीदी? मैंने घर भेज दिया, यहां से भी जा रहा हूं। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूं तुम मुझे याद नहीं करोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कुछ चीजों को याद रखो। अंगूठियां उतार दो। उतार दो। ये रहने दो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं इफनान। मैडम, बेटी के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं करते आप। Thank you.
ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अजीज साहब। ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस बात की गारंटी लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शेयर्स जल्दी वापस मिल जाएंगे। माजरत चाहूंगा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता अजीज साहब। मैं आपको लोन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपके पास देने के लिए कोई गारंटी नहीं है। एक फॉर्म है, पायदार का फॉर्म। अजीज साहब आप अपने कहीं बाबा वाले फॉर्म की तो बात नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, क्या ये काफी होगा? ठीक है, फिर कुछ हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। क्या आप ये लोन अप्रूव कर रहे हैं? मुझे ये जानना है। देख लो आप लोगों को, इलेक्शन से पहले सबको राशन मिल गया है ना? हाँ, ठीक है। जब मैं असेंबली में जाऊंगा तो ये शहर और भी तरक्की करेगा। हर घर राशन जाएगा और यहाँ कोई भी भूखा नहीं रहेगा। क्या तुम्हें ये डिप्टी का दर्जा एक रोटी के लिए चाहिए केनान? डिप्टी बनना वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। जब तक ये शहर जंजीरों में कैद है, तुम्हारे किसी भी काम की कोई अहमियत नहीं। बहुत कीमत है दादी जान, बहुत कीमती है। ये सब रोटी खाने की बात है, बेवकूफ नहीं बना रहा, घरों में खाना पहुंचाता हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं और अजीज क्या कर रहा है? इस शहर ने अजीज के कारखाने की मदद से तरक्की की है। जिसकी तुम बात कर रहे हो बेटा, उसका पहला कदम जुल्फिकार कारखाने से उठा था। बेकार बातें हैं दादी जान, वो वर्कशॉप अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। वो कर्जदार होने वाली है। वो अपनी वर्कशॉप को कर्ज के करीब ले आया है। वो असेंबली में कैसे लोगों से बात कर सकता है? वो खुद एक कर्जदार हो चुका है। वो आप लोगों के हक के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो असेंबली इस शहर को फिर से तुर्क जमीन बनाने के लिए कायम की जाएगी। इस शहर की किस्मत हमारे लिए रोटी या पैसे से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है केनान। जानता हूं आप मुश्किल में हैं। मैं जानता हूं आपको जो मिलता है उससे आप अपना पेट भरते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको भूखा रखा। पहले वो भूखा रखते हैं, फिर वो आपको खाना खिलाते हैं। ये आपको ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। जब ये शहर फिर से आजाद होगा तो आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी इस शहर में ऐसा नहीं होगा जो आपको भूखा रख सकेगा। आप अपनी जंजीरों से छुटकारा पाएंगे। आपका दिया हुआ वोट बहुत कीमती है। अपने वोट को हरगिज ना बेचें। आप जिसको भी मुंतखब करके असेंबली में भेजेंगे, इस शहर की आजादी उसकी पहली तरजीह होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं अजीज साहब, लेकिन हमारी भूख का क्या? हम पर कर्ज है अजीज। जैसे तुम देख रहे हो, तुम्हारे बेकार के वादे किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आपका कर्ज खत्म करने वाला हूँ। मेरे ऊपर आप सबका कर्ज है, फिक्र मत करें। जब तुम असेंबली में जाओगे तो क्या कर्ज खत्म कर दोगे? हाँ, यानी तुम उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे उनका वोट खरीद रहे हो। आज से किसी का भी तुम पर कोई उधार नहीं है, सब अदा हो गया। मुझे वोट देना है या नहीं ये आपका फैसला है, लेकिन ये जान लें कि आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। किसी के एहसान तले मत रहें, ये सबसे बड़ी कैद है।
अपने पैरों की जंजीरों को तोड़ दें। अगर वो आपका वोट खरीदते हैं तो वो आपको जिंदगी भर के लिए कैदी बना देंगे। आजम, क्या हुआ? तुम ये सामान क्यों पैक कर रहे हो? मैं जा रहा हूं। क्या तुम अपने घर वापस जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूं, दिलरुबा के पास। मुझे नहीं लगता कि दिलरुबा तुम पर इतनी आसानी से यकीन कर लेगी। लेकिन तुम मेरी जगह नहीं हो। अजीज, इतने सारे पैसे आपको कहां से मिले? मैंने लोन लिया है। अजीज, लेकिन इतना ज्यादा उधार आपने क्यों ले लिया? आपने सोचा नहीं कि ये किस तरह उतारेंगे? मालूम है, लेकिन मैं कैनान के रहमो करम पर उन लोगों को नहीं छोड़ सकता था। मैं मजबूर था। इतने ज्यादा उधार की इजाजत कैसे मिली? जमानत पे कुछ रखवा के। क्या गिरवी रखा आपने? अपना फार्म। क्या तुम्हें पता है कि अजीज हमेशा लोगों का हीरो क्यों रहेगा और तुम नहीं? क्योंकि वो अपने लोगों का दर्द रखता है। अब इसका सामना करो। न तुम, न मैं, न आजम ये कर सकते थे। आप हर चीज के बावजूद अजीज को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अजीज आपका वो बेटा है जिसका आपने ख्वाब देखा था। ना मैं और ना ही आप और ना ही आजम वो कर सकते हैं जो अजीज ने लोगों का कर्ज चुकाने के लिए किया, क्योंकि हम अपने माँ बाप को बैंक में गिरवी के तौर पर रखवा कर बिल्कुल भी लोन नहीं ले सकते। क्या आपने सही सुना? बैंकर ने मुझे बताया अजीज पायदार ने अपना घर गिरवी रखवाया है। ये लड़का पागल हो गया है। वो मेरे भाई की आखिरी निशानी है। ये अजीज का आखिरी घर है। गालिब साहब, मैं डेप्यूटी बनूंगा। आज शायद मुझे इस रुकावट का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं एक नया प्लान बनाऊंगा। मुझे यकीन है अजीज का अंजाम भी आजम जैसा ही होगा। मैं आपको अपने बेटे पर तवज्जो देने के लिए कह रहा हूं। मैं अपने बेटे पर तवज्जो दे रहा हूं, तुम फिक्र मत करो। वाकई आजम आज मेरे पास आया था, उसने शिप के टिकट्स मांगे। वो शिप के टिकट्स का क्या करेगा? वो दिलरुबा के साथ चला जाएगा। लेकिन दिलरुबा तो चली गई है। आजम को लगा कि दिलरुबा आज रात घर आई है, इसलिए वो आज दोनों भाग जाएंगे। इसलिए उसने इस्माइल से टिकट्स मांगे हैं। वो शहर छोड़कर जा रहा है। या खुदा, प्लीज प्लीज दिलरुबा।
प्लीज दिलरुबा मेरे साथ ऐसा मत करो। या खुदा, ओ खुदा, ये ख्वाब ना हो प्लीज। ओ खुदा प्लीज ऐसा ना हो, ये ख्वाब ना हो प्लीज खुदा। दिलरुबा, तुम लाए हो जो कहा था? हाँ, सब कुछ तैयार है, ये देखो। अब हम ये शहर छोड़कर जा सकते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहां से जाऊंगी? तुमने मुझसे कहा था दिलरुबा, तुमने कहा था एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और शहर छोड़ देते हैं, और तुमने भरोसा कर लिया। क्या तुमने मेरे साथ खेल खेला है? जैसे तुमने अपने बाबा के साथ खेल खेला और फिर अजीज के साथ खेला। दिलरुबा, तुम इतनी बुरी नहीं हो सकती, तुम इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये टिकट जाया नहीं जाने देती। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, ये टिकट लो और नई जिंदगी शुरू करो। तुमने मुझसे वादा किया था। हाथ छोड़ो मेरा। जहां भी मैं जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारा शौहर हूं। छोड़ो मेरा। दिलरुबा, तुम्हारा कोई हक नहीं मुझ पे। ये बात आज के बाद याद रखना। अब मैं दिलरुबा पायदार नहीं रही। ये लो तलाकनामा पकड़ो। क्या प्यार ने इस पे साइन किए? मेरी मर्जी पूछे बगैर मुझसे तलाक ले ली। जैसे कि तुमने मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी करी है, वैसे ही मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे तलाक ली है। अलविदा हसन। दिलरुबा, उधार नहीं लौटा पाए तो क्या होगा? हम कर देंगे। इस जगह का क्या होगा अजीज? मिस्टर गालिब ने सब कुछ खरीद लिया है, हमारी खरीद बंद हो गई है। मुझे मालूम है इफ़नान, जानता हूं। हमने लोगों को मनाने का एक दूसरा रास्ता अपनाया है। इस जगह को हकीकत में तुर्क जमीन बनाने के लिए मुझे करना पड़ा। अगर फार्म हाथ से चला गया तो? नहीं कहेंगे। अच्छा होता कि आप फार्म गिरवी नहीं रखते। ये घर आपका है अजीज। मैं भी उदास हूं इफ़नान, क्योंकि वो मेरे बाबा का घर है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं जाकर नानी से मिलकर आती हूं, ठीक है?
दिलरुबा, तुम वापस आ गई? मैं गई ही नहीं। दिलरुबा तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें तो आजम की हालत का पता है। आजम अब कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं रहा। ये शादी मैंने खत्म कर दी है, डिवोर्स हो चुकी है। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूं। ये क्या है? ये वर्कशॉप दोबारा तुम्हारी हुई। आजम इतनी आसानी से ये नहीं होने देगा। तुम्हें फौरन चले जाना चाहिए। आजम अब कुछ नहीं कर सकेगा। तुम मेरी हिफाजत करोगे। दिलरुबा देखो, ये मुमकिन नहीं है। लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम मेरे साथ किस हैसियत से रहना चाहती हो? कहना कि बीवी हूं मैं। अगर तुम उसे शादी कर लेते हो तो कोई एक लफ्ज भी नहीं कह पाएगा तुम्हें। अजीज, पायदार, मुझे अपना नाम मालूम है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें वाकई पता है? क्या यहां पर कोई राज छुपा हुआ है? क्या अंकल इस बारे में जानते हैं? तुम्हारे सवालों का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। पुरसुकून हो जाओ अजीज। पुरसुकून हूं मैं? अच्छा है।
आज यहां तुम जिंदगी के एक नए मोड़ पर हो अजीज। मेरी बातों को सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे कुछ भी बताने से पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम कौन हो? जवाब दो। समझ गया। मेरे पास खेल खेलने का वक्त नहीं है। या तो तुम मुझे जवाब दो या फिर मैं जाऊं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जिंदगी के एक नए मोड़ पर हो, लेकिन तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम अपने ख्यालों की दुनिया में मगन हो। अब तुम्हें उससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरे प्यारे दोस्त, खुश आमदीद। शुक्रिया पियर। थॉमस, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। हाँ, वैसे तुम भी कम नहीं हो पियर। फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्त। आइए आइए। तुम्हारी मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इतने गर्म शहर में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ प्यार। तुम हॉस्टल से लेके अब तक इतने बुरे जोक्स करते हो, लेकिन लोग फिर भी तुम्हें पसंद करते हैं। देखो तो जरा कि बोल कौन रहा है कि मैं बुरे जोक मार रहा हूँ। प्लीज, इस तरफ प्लीज आइए आइए। अनकरा ने फ्रेंचमैन नेशन लीग में होने वाले एग्रीमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो लोग अपने फायदे के लिए तुम लोगों के साथ एक गेम खेल रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि उनसे उन्हीं की जबान में बात की जाए। इसलिए अब अजीज, वो तुम्हें एक और जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है अनकरा चाहता है कि मैं डिप्टी कैंडिडेटशिप से हट जाऊं? ये सब इतना आसान नहीं है अजीज। वो कुछ टेररिस्ट खरीद कर और वहां उन तुर्क को भेज कर तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कुछ करवा सकते हैं। पियर, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो तुम्हें बेकार के मसलों पर उलझा रहा है, जबकि हमारे शहर की आजादी खतरे में है अजीज। जबकि हमें इस बारे में पता चला है कि वो अंताकिया और स्कैंदरून में नॉन तुर्क पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत ही मसरूफ है। वो ऐसा कैसे कर सकता है, किसी की मदद से किसी को इस्तेमाल करके? खैर, उसके पास रिकॉर्ड्स हैं अजीज। वो यहां जमीनें खरीद रहे हैं और अपने मुल्क के लोगों को यहां बसा रहे हैं, और वो खरीदेंगे नहीं बल्कि उनसे छीनेंगे, और हमारे लोग अपनी जगह से हाथ धो बैठेंगे। अब तुम समझे कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था। मेरी बात को समझो। लेकिन मैं ये कैसे नहीं देख पाया? ये वक्त शिकायत करने का नहीं है अजीज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी सिचुएशन है, सिर्फ एक रास्ता है। अनकरा यकीन रखता है कि तुम अंताकिया के लिए सलूशन हो,
लेकिन हमें जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। क्या अंकरा को अब भी मुझ पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल। क्या ये वैसे ही जैसा मैं सोच रहा हूं या शायद उससे भी ज्यादा? उससे ज्यादा? ये काम पहले वाले कामों की तरह नहीं है अजीज, हम अब एक नए लेवल पर हैं। हमारा दुश्मन हमारे साथ गंदे तरीके से खेल रहा है, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हें इस रास्ते पर अकेले चलना है। सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने वाला भी इस बारे में नहीं जान सकेगा। अगर तुम इस काम को कबूल करते हो तो मैं तुम्हें डिटेल बता दूंगा। तुम जो कुछ भी जानना चाहोगे अजीज, और अगर तुम कबूल नहीं करते तो सब कुछ भूल जाओगे। ना ही तुम यहां आए और ना ही हमारी कोई बात हुई और ना ही कुछ ऐसा हुआ। अगर तुम कबूल करते हो और कामयाब नहीं होते तो हम तुम्हें नहीं जानते। जब तुम पीछे देखोगे तो कोई नहीं होगा, माना जाएगा कि यह सब कुछ तुमने अपने लिए किया है। इस रास्ते पर तुम किसी को भी अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही अपने दिल में। तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो अजीज? शादी कर लो, मुझे पता है वो भी हाँ कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे उससे शादी? सब कुछ अजीज की वजह से किया उसने। मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ हाँ, इसको देखकर लगता है कि जैसे कयामत आ गई है। लड़की क्या हुआ है बताओ मुझे। इस वक्त ना मेरे बिल्कुल मुंह नहीं लगेगा। ऐसा भी क्या हो गया जो इतने गुस्से में है? मेरी क्यों गलती है? समझ नहीं आ रहा है मेरे कुछ भी, बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। ये लड़की मेरी समझ से बाहर है और ना ही मैं इसे कबूल कर सकती हूँ। मुझे सुकून से रहने ही नहीं देगी, इसने कसम खा के रखी है। दिलरुबा है ना, मगर इसको छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। तुम इतने गुस्से से मर जाओगी, तुम मुझे कुछ बताओगी? हाँ, आप सोच भी नहीं सकती, आप नहीं जानती कि क्या हुआ। उसने मेरी जिंदगी को हिला देने वाला फैसला कर लिया है। उसने अब क्या किया? उसने अजीज से कहा कि मुझसे शादी कर लो। उस पर लानत हो, वो बेशरम बेहया लड़की। खुशामदीद आइए मैडम। Thank you.
क्या हुआ नूरी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे कुछ भी नहीं पता बहन। अजीज साहब ने कहा कि दिलरुबा मैडम को घर ले जाओ, इसलिए मैं ले आया। चाहती क्या हो तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी से शादी का कहते हुए? तुम सुकून से यहां पर बैठोगी? ठीक है, मैं भी किस सूरत हाल में हूं तुम ये जाने बगैर बात कर रही हो। शायद मैं तुम्हारी तरह होशियार और लिखना पढ़ना नहीं जानती हूं दिलरुबा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना है। तुमने अजीज से कहा कि तुम उससे मोहब्बत करती हो और चाहती हो कि वो भी तुमसे शादी कर ले। दिलरुबा, क्या है ये सब? उफ़ इफ़नान, जिस मसले में अभी मैं फंसी हुई हूँ वो तुमने जो सुना और देखा उससे कहीं ज्यादा है। तुम गलत समझ रही हो, मेरे ऊपर सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तो बच्चा जिंदा है? जिंदा है, सब कुछ कर लिया लेकिन वो अभी भी जिंदा है। और अब जब वो दुनिया में आने के लिए इतना लड़ ही रहा है, इसलिए मैंने अपने बच्चे को मारने का फैसला छोड़ दिया। मैं अकेले ही अपने बच्चे को पालूंगी और बड़ा करूंगी, और जैसे कि अभी तुम्हें मालूम है कि कोई मेरी देखभाल के लिए नहीं, इसलिए मैं अजीज के पास गई थी। और आजम को तो तुम जानती ही हो, अगर उसे पता चल गया कि बच्चा जिंदा है तो वो मुझसे बच्चा छीन लेगा। क्या तुम चाहती हो कि उसे आजम जैसा बाप मिले? जानती हूँ दिलरुबा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो, और तुमने अब अजीज से शादी करने का कह दिया है, ये मौत है मेरे लिए। तुम्हारे लिए बहुत सी परेशानियां हैं ये सब जानती हूँ मैं, लेकिन अब जब तुमने मुझे बच्चे का बता दिया है तो अगर मैं कुछ भी करती है कहती हूँ तो वो बहुत जालिमाना हो जाएगा। इन हालात में क्या करना चाहिए कुछ नहीं समझ आ रहा। आजम के बारे में सोचा है तुमने? वो क्या करेगा जब उसे पता चलेगा उसका बच्चा जिंदा है? दिलरुबा, कुछ सोचा है तुमने? आजम को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, अजीज ने अपना जवाब दे दिया है। हैरान कर देगा दिलरुबा, तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? तुम खुद को कहां देख रही हो? मैं बिल्कुल जानती हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चली जाओ, तुमने ना जाके गलत किया। अजीज, मैं तुम्हें बता चुकी हूं मैं नहीं जाऊंगी। अजीज प्लीज, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारे सिवा। दिलरुबा, ये तुम मुझसे किस तरह का इम्तिहान ले रही हो? कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता है, अगर हमारी शादी हो जाएगी तो आजम मुझे अकेला छोड़ देगा और मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा, और सबकी बातें भी बंद हो जाएंगी क्योंकि हम शादीशुदा होंगे। अजीज बात सुनो, तुम जानते हो कि आजम मेरे साथ क्या कर सकता है? हाँ, हमने देखा है, लेकिन क्या कभी सोचा कि आजम ऐसा इंसान क्यों बना? तो क्या तुम कह रहे हो कि आजम ठीक है? इसके बरक्स, मैं उसकी हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारा एक साथ होना उसे पसंद नहीं आता और यही इसकी वजह है। दिलरुबा, मैं तुम्हारे इस मसले का हल नहीं, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। अब मेरी अपनी भी एक जिंदगी है, मैं इफ़नान से प्यार करता हूं और उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें जिंदा रहने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है दिलरुबा, तुम एक ताकतवर औरत हो जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। बस तुम्हें खुद को एक मौका देने की जरूरत है। तो अब तुम क्या करोगी, कुछ सोचा है तुमने? मैं अब दिलरुबा पायदार नहीं हूं, कुछ ना कुछ सोच लूंगी। यहां से चली जाऊंगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। खाई बोलूं हरियर सिमसिया एवा यानियो इल्ला
kalbinden herkes geçitti bir tek aşkın paydar düştü.